10 साल खत्म नहीं हो रहा आईसीसी ट्रॉफी का अकाल, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बताया क्या है मायाजाल। 10 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा आईसीसी ट्रॉफी का अकाल। साल 2013 वो आखिरी साल था जब भारतीय टीम ने अपना आखिरी आईसीसी ट्रॉफी जीता था, और चैंपियंस ट्रॉफी वो आखिरी आईसीसी ट्रॉफी थी जिसे भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। इसके बाद भारतीय टीम आईसीसी के कई बड़े स्टेज में सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन इसमें जीत हासिल करने में हर बार असफल रही। आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार हार का सिलसिले को देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने भारतीय टीम की कमजोरी बताई है। हफीज का मानना है कि भारतीय टीम नॉकआउट मुकाबलों में अलग तरीके से खेलती है और खुद पर प्रेशर डाल देती है, जिसके चलते टीम को इन अहम मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ता है। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद हफीज ने भारतीय टीम के आईसीसी के बड़े स्टेज में हारने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले में खेलने का दबाव कैसा होता है। भारत इस प्रेशर के कारण हार का सामना कर रहा है। भारत ने कई अहम मुकाबलों में हार का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा, आप घरेलू क्रिकेट की तुलना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से नहीं कर सकते। इसी तरह आप द्विपक्षीय सीरीज खेलने के दबाव की तुलना आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट से नहीं कर सकते। हमने साल 2022 का विश्व कप देखा है कि भारत दबाव को संभालने में सक्षम नहीं रहा। भारत ने अहम मैच हारे, सेमीफाइनल हारे और यहाँ तक कि क्वालिफाई भी नहीं कर सके। हाफिज ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है, ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है और इसकी नींव गांगुली के युग में रखी गई थी, जब टीम में ये विश्वास रखा गया था कि वो एक विश्व विजेता बन सकती है। इस विश्वास को आगे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने बनाए रखा। बताते चले कि भारतीय टीम ने साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबला हारा, और इसके बाद साल 2022 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हफीज ने कहा, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। अब उन्हें दुनिया को ये बताना है कि वो बड़े इवेंट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और वो भी बिना दबाव के साथ। क्या आप भी हफीज के इस बयान से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय टीम आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट का भार नहीं संभाल पा रही? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।